हाय, दिस इज मीनाक्षी एंड आई एम बैक विद माय स्टोरी। एक बार एक बूढ़ा आदमी काफी देर से एक बच्चे को देख रहा था जो बरगद के पेड़ पे बैठे हुए एक छोटे से पंछी को परेशान कर रहा था। वो बच्चा हर थोड़ी देर में जमीन से एक पत्थर उठाता और पंछी की तरफ निशाना लगाता। पंछी उस पत्थर के लगने की डर की वजह से एक डाल उड़ के ऊपर चला जाता। पत्थर वापस नीचे आता, बच्चे को लगता और बच्चा खूब जोर से हंसता और तालियां बजाता। ये सिलसिला 10-15 मिनट तक चलता रहा। थोड़ी देर बाद वो बूढ़े आदमी ने जाके बच्चे से पूछा, ये बच्चे क्यों पंछी को परेशान कर रहे हो? और मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम्हारा एक भी पत्थर तो पंछी को लगा नहीं, फिर क्यों हर बार तालियां बजाते हो और खुश होते हो? पत्थर तो उल्टा पलट के तुम्हें ही लग रहे हैं। तो बच्चे ने बोला, ऐसा अंकल, मुझे तो हर बार लगा कि शायद वो पत्थर उस पंछी को लग रहा है, तभी वो उड़ के एक डाल ऊपर चला जा रहा है। लेकिन उस पंछी को एक भी पत्थर नहीं लगा, ये तो बड़े अफसोस की बात है। हम सबके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम जब कुछ ऊंचाइयों को छूने जाते हैं तो कई लोग जो हमारी ऊंचाइयों से थोड़ा सा जिनको तकलीफ होती है वो पत्थर उठा के मारते हैं हमारी तरफ। कभी बातों के पत्थर, कभी अपनी हरकतों के पत्थर, और हम उस पत्थर के ना लगने के डर से एक डाल ऊपर उड़ के चले जाते हैं, थोड़ा और ऊंचा उड़ जाते हैं, और वो पत्थर वापस मुड़ के दोबारा उन्हीं को लगता है। तो अगली बार कोई आपकी तरफ पत्थर मारे, भले वो बातों के पत्थर हो या उनकी हरकतों के पत्थर हो, तो ये जरूर याद रखना कि ये पत्थरों के डर की वजह से आप एक डाल उड़ के और ऊंचा चले जाओगे और पत्थर दोबारा उनको ही लगने वाला है। बिकॉज यू नो व्हाट, ग्रेविटी वर्क्स। थैंक यू।